मैं यहाँ HDFC के ATM पे रामलाल चौक पे ड्यूटी कर रहा था जी, बाहर बैठा था कुर्सी पे, तो मैंने देखा कि कुत्ता बच्चे का शव लेकर वहाँ उधर भाग रहा था। हाँ, नवजात शिशु था। और फिर यहाँ आके देखा तो मतलब एक पन्नी मिली है, उसमें पैक था बच्चा। वो बता रहे कि उस पन्नी को पाट कर कुत्ता जब उसमें से निकाल के ले गया। कूड़े में ये बच्चा पड़ा था, कुत्ते को मैं कहा गई होगी, वो आया, उसने कूड़े से निकाला और मुँह में उठा के इसको भागा कुत्ता। जैसे ही कुत्ते को हमने देखा, हम उसके पीछे गए, वो पीछे से घूम के ऐसे आया और यहाँ डाल के चला गया डॉगी से। एक सौ बारह के तहत सूचना मिली थी कि कोई फिटस मिला है नवजात बच्चे का, और मौका पर अगर चेक किया गया तो वहाँ पर ये फिटस पाया गया। अब इसको पोस्टमार्टम के लिए, आगामी कार्रवाई के लिए जीएच पानीपत ले लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूँ आपके साथ सोनम। पानीपत में आज रामलाल चौक पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक नवजात का शव एक कुत्ता लेकर भाग रहा था। देखते ही देखते लोगों का हुजूम इकट्ठा होने लग गया। उस कुत्ते पर एटीएम के बाहर ड्यूटी पर तैनात गार्ड की जब नजर पड़ी तो गार्ड सहित आसपास के लोग कुत्ते की तरफ दौड़ पड़े और कुत्ते ने नवजात का शव खाली पड़े प्लॉट में छोड़ दिया। लोगों ने जब देखा तो वो लड़की नहीं बल्कि लड़का था। जब पास जाकर देखा तो बच्चा मृत था। मामले की सूचना जैसे ही आसपास के लोगों को लगी तो मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई और नवजात के शव को देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि बच्चे की नाभि में अस्पताल की कोई मेडिकल टेप लगी हुई थी। आपको उस वक्त की तस्वीरें भी दिखाते हैं जब नवजात को कुत्ते ने खाली पड़े प्लॉट में छोड़ दिया था। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस तौलिए के नीचे एक नवजात का शव है जो कि कोई लड़की नहीं बल्कि लड़के का शव है। दरअसल रामलाल चौक पर नाले की सफाई के दौरान कचरा बाहर निकाला गया था। नाले के साथ कचरा पड़ा हुआ था। नाले से निकले एक पॉलिथीन में नवजात का शव था। उस पॉलिथीन को उठाकर कुत्ता लेकर जा रहा था कि तभी एटीएम के बाहर तैनात गार्ड ने देखा कि कुत्ते ने जो पॉलिथीन ले रखा है उसमें किसी नवजात का शव है। कि तभी आसपास के लोग कुत्ते की तरफ भागे तो कुत्ते ने नवजात का शव खाली पड़े प्लॉट में छोड़ दिया और लोगों ने देखा कि एक नवजात लड़के का शव पॉलिथीन में लपेटकर फेंका गया था जिसे कुत्ता अपने साथ लेकर जा रहा था। सबसे पहले आपको ड्यूटी पर तैनात गार्ड की बात सुनवाते हैं कि उसने आखिरकार उस वक्त क्या देखा था। मैं यहाँ HDFC के ATM पे रामलाल चौक पे ड्यूटी कर रहा था जी, बाहर बैठा था कुर्सी पे, तो मैंने देखा कि कुत्ता बच्चे का शव लेकर वहाँ उधर भाग रहा था। हाँ, नवजात शिशु था। और फिर यहाँ आके देखा तो मतलब एक पन्नी मिली है, उसमें पैक था बच्चा। वो बता रहे कि उस पन्नी को पाट कर कुत्ता जब उसमें से निकाल के ले गया। ये नाले के कर्मचारियों ने वो कूड़ा बाहर निकाल रखा, उसमें से वो बच्चा मिला है। ये समाज की बुराई है कि मतलब इतनी बुराई फैल गई है कि कुछ हो मतलब ये कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में जी। समाज में की बहुत कुर्तियाँ हो गई है ये शहर में, तो बहुत घटनाएं हो रही है जी ऐसी। हालांकि नवजात की नाभि में अस्पताल की मेडिकल टेप भी लगी हुई दिखी, तो वहीं जब लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई तो लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी कि तभी वहां पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और नवजात के शव को सिविल अस्पताल में ले जाया गया। अभी यहां से किसी के 112 के तहत सूचना मिली थी कि कोई फिटस मिला है नवजात बच्चे का, और मौके पर अगर चेक किया गया तो वहाँ पर ये फिटस पाया गया। अब इसको पोस्टमार्टम के लिए, आगामी कार्रवाई के लिए जीएच पानीपत ले लिया। सर, ये कितने दिन का बताया गया है? अराउंड कुछ ऐसा कुछ हम कह नहीं सकते ना, अभी डॉक्टर साहब ही इस बारे में कुछ कह सकते हैं। देखने से 7-8 महीने का बच्चा लग रहा है जी, देखने से प्राइम फेसिया 7-8 महीने का बच्चा लग रहा है। सूचना कैसे मिली थी आपको? सूचना 112 के माध्यम से। वहीं आसपास के लोगों ने शक जताया है कि ये बच्चा किसी अविवाहित महिला का होगा, तभी इस तरह से बच्चे को फेंका गया है। आज 1 घंटे पहले की बात है, यहाँ पे कूड़े में ये बच्चा पड़ा था, कुत्ते को मैं कहा गई होगी, वो आया,
उसने कूड़े से निकाला और मुंह में उठा के इसको भागा कुत्ता। जैसे ही कुत्ते को हमने देखा हम उसके पीछे गए, वो पीछे से घूम के ऐसे आया और यहाँ डाल के चला गया डॉगी इसको। उसके बाद हमने 112 पे कॉल की और प्रशासन आया और आपके सामने है जो कुछ है। किस समय का वाकया, कब आपने एक घंटे पहले का सर, वो डॉग इसको मुंह में उठा के डर था जी जी, तो हमने सोचा किसी का जिंदा बच्चा उठा लिया होगा कहीं से हॉस्पिटल वगैरह से, तो वो वाक्य नहीं था, ये कपड़े से निकाला गया, किसी का फेंका हुआ बच्चा था। कितने उम्र, कितने लग? ये होगा 8-9 महीने का ही है जी। हाँ जी, पूरा बच्चा है। तो फिर उसके बाद आपने पुलिस को फोन? पुलिस को फोन किया, उसके बाद पुलिस आई और अब प्रशासन उसको लेके गया ही है, जो भी कार्रवाई होगी प्रशासन बताएगी। पानीपत में आए दिन नवजात शिशु को फेंकने के मामले सामने आते रहते हैं। हालांकि कई ऐसे मामले सामने तो आए, लेकिन एक दो मामलों को छोड़कर नवजात को फेंकने वालों को पकड़ा नहीं जा सका। अब एक बार फिर ऐसा ही एक मामला सामने आया है। हालांकि नवजात की नाभि पर अस्पताल की कोई टेप लगी हुई मिली है। अब ये तो जांच में ही पता चल पाएगा कि नवजात कितने दिन का है और क्या इस बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ था या फिर उसके बाद नवजात को फेंका गया है। कई सवाल है जिनका खुलासा पुलिस की जांच में ही हो सकता है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। नमस्कार।